राधे राधे दोस्तों, ये देखिए आज हम लोग जो है वेजिटेबल लौकी की जो है एक सब्जी बनाने जा रहे हैं। और ये एकदम सिंपल रेसिपी होगी, इसमें ना तो कोई मसाला होगा ना कुछ होगा। आइए इसको कैसे बना रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए बिल्कुल ज़रा सा तेल डाला है हमने कढ़ाई में और थोड़ा सा जीरा डाल रहे हैं इसमें। कढ़ाई हो गई है गरम, जीरा भी अच्छे से गरम हो गया और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाली है हमने। और ये लौकी को हमने इसमें पूरा, ये आधी लौकी थी इसको काट धोकर के काट लिया था और इसको डायरेक्ट उसमें डाल करके भून लेते हैं। यह हेल्दी और टेस्टी दोनों ही होगी। इसमें ये आपको जो है स्वास्थ्यवर्धक रहेगी और क्या क्या फ़ायदे हैं इसको खाने से वो भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल इसमें ज़रा सा नमक डालना है और नहीं भी डालेंगे अगर आप तो चलेगा। ये इसमें पानी डाल दिया है एक कटोरी और जितना आपको, जितने लोगों के लिए बनाना है उस हिसाब से आप देख लीजिए, उतना पानी ऐड करके इसको उबलने के लिए छोड़ दीजिए। दोस्तों इस तरह की सब्जी जो है आप लोगों को हर उसमें फायदा करती है, हर रोग में। इस तरह की सब्जी आपको बीपी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हर उसमें जो है ये काम करती है। और अगर नेचुरोपैथी में अगर आप जाते हैं तो उसमें तो कहते हैं कि इसमें लौकी को, चाहे तरोई हो, चाहे लौकी हो, चाहे कोई भी सब्जी हो, हाफ बॉयल कर लीजिए, नमक ना के बराबर डालिए आप, और नहीं डालेंगे तो भी आपका काम चलेगा और इससे आपको हर तरह की बीमारी में आपको फ़ायदा मिलता है। तो इसको जो है ढक करके आप उबलने देते हैं, जैसे उबल जाएगी फिर इसको जो है कैसे और क्या और इसको किसके साथ खाना है वो भी बताता हूँ मैं। ये देखिए हमने ज़रा सी मिर्ची ली है और एक छोटी अदरक ली है, उसको भी काट करके हम इसमें डाल दे रहे हैं और तीन मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं हमने, एक थोड़ा सा इसमें बड़ा सा है लेकिन आप अपने हिसाब से जो है ले लीजिए। इन टमाटर को पीस लेते हैं अभी। ये देखिए अदरक, ये टमाटर हमने पीस लिया है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे ये भी अभी आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों सब्जी हमारी पक करके तैयार है, इसको एकदम धीमी धीमी आंच पे ही डाला है, पकाया है हमने और जो टमाटर हमने पीसा था वो टमाटर इसमें डाल दिया है हमने और डाल करके इसको ढक दिया है। थोड़ी देर ऐसे ही ये पकेगा, उसके बाद टमाटर को इसमें मिक्स कर देंगे। और देखिए ये जो है रागी की रोटी है और इसको जो है रागी की रोटी के साथ में ही खाने में बढ़िया रहेगा, जिससे कि आपका पाचन तंत्र एकदम बढ़िया रहेगा और आपका पाचन तंत्र सुबह जब आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे तो बढ़िया से फ्रेश हो जाएंगे। नॉर्मल हम लोग जो खाना गेहूं का रोटी का खाते हैं उससे ये चीज़ नहीं हो पाती हमारा, हम सुबह मॉर्निंग के टाइम में फ्रेश नहीं हो पाते हैं। इससे मोटा अनाज अगर आप खाएंगे, बाजरा है, मक्का है, रागी है, ज्वार है, इसकी रोटी बना करके खाएंगे आपका पेट एकदम स्वस्थ रहेगा। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी आप बताइएगा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल रसोई धारण शिल्पा को आप सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा नहीं, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।